जाने आलम खां की YouTube चैनल देखने वाले दोस्तों, यार अहबाब सबको मेरी तरफ से नया साल न्यू ईयर मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। आपको, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली वालों को, आपके कम्युनिटीज को और हम सब को शामिल करें तो तमाम बने नाम इंसान को हैप्पी न्यू ईयर हो। यारो दोस्तों, न्यू ईयर क्यों हम मनाते हैं? इसके हिस्ट्री में जाएं तो बहुत लंबी है और इसके दुनिया में आज जितने लोग मनाते हैं उसके तरफ जाएं तो बेशुमार लोग हैं। बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे सिविलाइजेशंस ये 1 जनवरी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने वाले हैं वो इस दिन को मनाते हैं। हम सिर्फ इस जानिब तवज्जो देते हैं कि ये दिन क्यों मनाते हैं, इसका मकसद क्या है। आप में से हर एक के लिए एक इंडिविजुअल मीनिंग भी रखेगा, जबकि बहुत सारे जनरल लोगों के लिए दो की मैसेजेस होते हैं। पहली बात यह है कि ये वो टाइम है या दिन है या मौका है कि जिसमें हम पास्ट को गुड बाय कहते हैं। और इस ईयर के जो शुरू में जिन्होंने प्लेजेस किए हैं, अपने साथ प्रोमिसेस किए हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उनको एसेस करने का मौका भी होता है। और दूसरा, लोग ये भी देखते हैं कि आने वाले सालों में हम क्या प्लेजेस कर सकते हैं, आने वाले साल से क्या होप्स रख सकते हैं और आने वाले साल में हम क्या करेंगे। तो इसके साथ होप्स भी अटैच्ड हैं, ऑप्टिमिज्म अटैच्ड है कि हम नए साल में और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं गुजरे हुए साल के मुकाबले में। तो हम इस लिहाज से चार मतलब पर गुफ्तगू करेंगे जो इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, कलेक्टिवली भी ये मीनिंग हो सकती है लोगों के लिए साल का। ऐसा तो पहली बात यह है कि खुशी मनाना, इसका मतलब खुशी मनाना ये की है, ये फर्स्ट है। अगर इसमें से हम खुशी निकाल दें तो वाकई कुछ भी नहीं बचता है। तो इस लिहाज से इसका मतलब यह है कि हम किसी ना किसी बहाने से, और चूंकि नया साल का आगाज, नए साल का आगाज है, तो एक बेहतरीन बहाना है हमें खुशियां मनाने का। जो कुछ हमने कामयाबी हासिल की पिछले साल में या जो प्रॉब्लम्स फेस किए, जो भी किया, बहरहाल साल गुजर गया। अब नए साल में हम और खुशी के मौके कैसे ढूंढ सकते हैं अपनी कामयाबी के लिए, और क्या कर सकते हैं अपने फैमिलीज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कल्चर के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, बनी नव इंसान के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में इंसान सोच सकते हैं। तो ये इसका पहला मतलब है। दूसरा मतलब यह भी हो सकता है नए साल का कि आप देखें कि न्यू ईयर एवरी ईयर आता है। न्यू ईयर अराउंड 365 डेज के बाद हर साल आता है। और साल में चार मौसम होते हैं, 4 वेदर्स हम सब जानते हैं, 4 वेदर्स आते हैं। तो ये भी आप देख लें कि ये साइक्लिकल हैं। एक मौसम आता है, खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू होता है, फिर वो कंक्लूड होता है, फिर तीसरा शुरू हो जाता है। तो ये चार मौसम आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और हर मौसम के अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी खूबियां हैं, अपने चैलेंजेस हैं, या अपने दामन में बहुत कुछ दे जाते हैं अपने अपने लिहाज से। बहार को ले लीजिए, किस तरह इंसानी मूड्स को चेंज करता है। दुनिया के जिस भी कंट्री में बहार का आगाज होता है, फूल खिलने लगते हैं। नेचर के साथ इसका रिलेशनशिप देख लीजिए, बहार का या स्प्रिंग का। जो कायनात की जो चीजें हैं, जमीन की पर्टिकुलरली हम बात करें तो वो डोरमेंट हो जाते हैं सर्दियों में, मुरझाए रहते हैं या नीम खाबिदा आधा सोए वो होते हैं। लेकिन बाहर आते ही चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जो मखलूकात हैं वो नए जोश और लाइफ के शौक के साथ जिंदा हो जाते हैं। तो ये एक नया लाइफ देता है और हम सब पर वेरी जनरली बाहर के मौसम में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फूल खिलते हैं, खुशबू आती है, बहार आता है, तो हम सब बहुत हद तक एक्साइटेड रहते हैं।
आफ्टर अराउंड 2 to 3 months ऑफ सीवियर कोल्ड, दुनिया के अंदर जनरली ऐसा होता है कि सख्त सर्दी के बाद फिर हम खिल जाते हैं, तो एक तब्दीली आ जाती है। तीसरा मतलब इसका यह है कि खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने की चीज होती है, जो सबसे शेयर करने की होती है। आपने मैंने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो अकेले कमरे में कहकहा लगा रहा है या खुशी के हरकत कर रहा है, सिंगिंग कर रहे होते हैं? तो अगर ये थोड़ी देर के लिए है तो फिर तो ठीक है, अगर काफी देर तक कोई शख्स ऐसा करे तो हम देखने लगते हैं कि भाई इस बंदे को क्या हो गया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कोई मेंटल इशू तो नहीं है, क्योंकि खुशियां अकेले सह नहीं सकते, अकेले एंजॉय नहीं कर सकते, वी नीड टू शेयर देम विद अदर्स। आप देख लें जब भी हमें खुशी आती है वो भागे भागे मम्मी पापा बच्चों के नाम लेके या वाइफ का नाम लेके हस्बैंड का नाम लेके जंपिंग लगा के बता रहे होते हैं वाइव गुड न्यूज। तो खुशियां बांटने की होती हैं, वो अपने साथ रखने की नहीं होती हैं। तो इस लिहाज से ये जो खुशी है इस साल के साथ, नए साल के साथ जो अटैच्ड है, वाबस्ता है, तो वो हमें सिर्फ अकेले में नहीं मनाना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। और इसी के साथ चौथा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खुशी में ही खुश रहें, अच्छे हालात हों तो भी खुश रहें, बल्कि हमें यह सीखना है कि विंटर में भी खुश रहें, हम सर्दियों में भी खुश रहें। और बहुत सारे नफ्सियातदान या जो इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हैं इंसानों को एडवाइस करते हैं कि आप अपना मौसम बने, आप मौसमों पर डिपेंडेंट ना हो जाएं, आप अपने लिए मौसम क्रिएट करें। बारिश हो रही है तो उसमें मजे लें, सूरज निकल रहा है तो उसमें मजे लें। तो इस लिहाज से खुशी और गम, जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये कि जिस तरह मौसम बदलते हैं इसी तरह कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, और अगर हमेशा खुश रहे तो वो खुशी नहीं होगी, वो गम में ही बदल सकते हैं। हम बस जब बहुत ज्यादा हंसते हैं तो फिर रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं, तो ये अलामत है कि जब खुशी पीक पे जाती है तो उसके बाद गम शुरू हो जाता है, और गम भी जब पीक पर जाता है फिर इसके बाद ये अपना असर खो देता है, फिर इंसान को सम हाउ हैप्पीनेस मिलना शुरू हो जाती है। तो ये खुशी और गम साइक्लिकल हैं, साइकिल में चलते हैं, तो इसलिए हमें फिक्र नहीं करनी है अगर खुदा न खास्ता कोई भी किसी भी वजह से, सेहत, कामयाबी, नाकामी, किसी भी वजह से अगर हम पर कोई तकलीफ आती है, कोई गम, कोई दुख आ जाता है, घबराना नहीं है, और हमें उसको खुशी के साथ सहना है, कबूल करना है। जो जिंदगी हमारे साथ आती है, हमारे जिंदगी में दिन आते हैं, रात आते हैं, कबूल करना है। लास्ट में एक शेर के साथ आपके खिदमत में ये सेशन कंक्लूड करना चाहूंगा कि एक शायर ने किस कदर ब्यूटीफुल शेर कहा है, फूलों की बहारों में भी कमर तुम अफसुरदा से रहते हो, फूलों की बहारों में भी कमर तुम अफसुरदा से रहते हो, फूलों को तो देखो कांटों में भी हंस हंस के गुजारा करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।